बीच हूँ नहीं पाप का हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए मेरे गुरुदेव हे मेरे खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा को अब संसार में आसरा है दूसरा कोई ना संसार में हे मेरे गुरुदेव हे मेरे आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप ही यदि छोड़ देंगे जाऊंगा मैं आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं जन्म दुख से मेरे
छोड़ो अब बचाओ नाथ, छोड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही नाथ, छोड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही हे मेरे पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव कुछ दिन रुक जाओ, आपका और सत्संग सुनूं, अभी मैं भीतर से कच्चा हूं, आप सत्संग सुना करके मुझको मजबूती दें, मैं कहीं भटक ना जाऊं। गुरुदेव ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, बस नाम नहीं छोड़ना, मैं तुमको संभालता रहूंगा। गुरु शिष्य का संबंध कोई खून का रिश्ता नहीं है, जो पास होने से पास हो जाए, दूर होने से दूर हो जाए, ये श्रद्धा का रिश्ता है। गुरु कितने भी दूर क्यों ना हो, अगर श्रद्धा के तार जुड़े हैं वो तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो प्रत्येक क्षण तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको भीतर से बल देंगे, बड़े से बड़े संकट में भी तुमसे भजन करवाएंगे अगर श्रद्धा के तार जुड़े हैं तो। गुरु से संबंध कोई खून का नहीं होता, जो शारीरिक नजदीकियां ही नजदीकी का एहसास कराती हूं, यह श्रद्धा का रिश्ता है। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें, दूर रहकर भी हृदय के तार से जब सुहृदय का तार मिलता है, इसलिए बेटा तुम्हारी श्रद्धा मुझको तुम्हारे पास रखेगी। मेरा उपदेश जो तुमने रात भर सुना है उसको भूलना नहीं, हमेशा नाम जप करना, अब तक जो तुम्हारे पाप थे उनकी तू चिंता ना करना, बस आगे कोई पाप ना बने, जो पाप थे वो तो सब भस्मीभूत हो जाएंगे, बस ये सीताराम 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 इस धुन को छोड़ना नहीं, अयाचित वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना,
भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, प्रारब्ध भोजन देगा, उसकी चिंता नहीं करना। बस ये सीताराम की धुन न टूटे, सुबह शाम गुरु मंत्र का जाप और दिन भर प्रभु के नाम का जाप करना है, और रात भर जो मैंने शिक्षा दी उन शिक्षाओं को याद करना, ध्यान रखना अब तक हुआ सो पाप हुआ, आगे कोई गलती ना बने। आशीर्वाद देकर के गुरुदेव भगवान चले गए। सुबह के समय उनके जो और चोर डाकू लुटेरे थे, साथी थे, वो सब आ गए और देखा कि धुनी के पास बैठा है, धुनी जल रही है। ये श्वेत परिधान में, श्वेत वस्त्रों में, माला हाथ में लिए, माथे पे रामानंदी तिलक, गले में तुलसी की दुलरी कंठी, वैष्णव भेष धारण करके माधव सिंह बैठे हुए हैं चौड़े मैदान में। कहा क्या हो गया, बदलाव कैसे हो गया? माधोदास बाबा हो गए, अभी डाकू नहीं रहे। माधोदास बाबा ने कहा अपने पुराने साथियों से, तुम भी ये सब काम छोड़ दो, ये छुरी बरछा बंदूक हाथ से छोड़ करके माला हाथ में पकड़ो, ये 108 बोर की गन मशीन है, बस घोड़ा दबाते जाओ और राम नाम की गोली छोड़ते जाओ, और अंत में माया सफाया हो जाएगा, माया का तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा, तुम पूरी दुनिया को ही नहीं भगवान को भी जीत लोगे, मेरी बात मानो, छोड़ो इस काम को। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, कहा ठीक है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, ये धंधा छोड़ने को तैयार नहीं लूट लूट का, तो फिर ये स्थान छोड़ दो, अब ये पूरा क्षेत्र मेरा है, ये मेरी भक्ति का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, तुम इस स्थान को छोड़ दो, अपना सरदार तुम अब किसी और को चुन लो। वो लुटेरे वहां से चले गए, फिर उस स्थान पर कभी नहीं आए। अब हाथ में माला झोले के दिन रात सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम का चिंतन, सीताराम का नाम जाप। कोई भी इसके पास आता गुरु का वही उपदेश सबको किया करते थे, प्रभु का भजन करो, पापों को त्यागो, प्रभु का नाम जप करो, सबसे प्यार करो, सबको क्षमा करो, सबकी सहन करो, मन को पवित्र करो, घर बैठे भगवान हाथ लग जाएंगे। अगर सबसे प्रेम नहीं करोगे, ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, क्षमा नहीं करोगे, सहन नहीं करोगे, चाहे जंगलों में भी चले जाओ वहां भी खाली हाथ ही रहोगे। अगर अपना स्वभाव निर्मल पवित्र नहीं बनाया, अगर पापों को नहीं छोड़ा, अगर भजन में चित्त की वृत्ति को नहीं लगाया, कहीं भी चले जाओ सब जगह खाली रहोगे। सबको भजन का उपदेश करते हैं, हर समय नाम जप। नव भक्त माला में लिखा है कि भजन करते करते 12 साल बीत गए, अभी स्वप्न में भी भगवान नहीं आए प्रत्यक्ष, तो क्या आएंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। धीरे धीरे भजन रुचि होगी, धीरे धीरे भजन अपना काम करेगा। आप पहले दिन नहीं एमए पीएचडी डिलीट कर लेते, धीरे धीरे एक एक साल आगे बढ़ता चला जाता है, अंत में सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आ जाता है, फिर तुमको नौकरी धंधा भी मिल जाता है। लेकिन ये सब काम करने में कम से कम 20 साल तो लगते ही हैं, 20-25 साल भी लग सकते हैं। जब भोजन की व्यवस्था में 20-25 साल लगते हैं, तो भजन की व्यवस्था में कितने साल लगते होंगे? केवल भोजन कमाना है, इसके लिए 20 साल तुम स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, भोजन के लिए पढ़ते हो, कमाने लायक बन जाए। जब भोजन के लिए 25 साल तुम लगाते हो, तो भगवान के लिए भजन के लिए कितने साल लगेंगे? लेकिन ये आश्चर्य की बात है, ये व्यक्ति के हाथ में है, चाहे तो अब ही अपना उद्धार कर ले। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। तुरंत तुरंत ही भगवत प्राप्ति हो जाए अगर हमारे भजन में ये 6 बातें सम्मिलित हो जाएं। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित और आनंद पूर्वक और आदर युत, ये 6 सद्गुण अगर हमारे भजन में हो। अकाम का मतलब कोई कामना न रहे,
हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चाहत है ही नहीं। जो तू चाहता है वही मेरी चाहत है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। इतना प्रभु पर विश्वास हो जाए, प्रभु जो तुमने चाहा वही पूरा हो, जो मैंने चाहा वो पूरा ना हो। क्यों? क्योंकि मुझको तो अभी यही नहीं पता कि मुझको क्या चाहिए। किसी सच्चे भक्त ने कहा प्रभु से, मुझको वो नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझको वो नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझको वो मिला जो मुझे चाहिए था। मांग हमारी गलत है, मांग हमारी संसार की है। अपनी मांग को भगवान पे छोड़ दो। देखो दुल्हन जब सजती है और स्वयं ही सारा श्रृंगार कर सकती है, ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं, दुल्हन अपना सारा साज श्रृंगार खुद सज सकती है, लेकिन मांग में सिंदूर पहली बार खुद नहीं भर सकती, वो तो उसका प्रीतम उसका पति ही भर सकता है। तुम्हारी मांग तुम भर ही नहीं सकते, मांग का मतलब डिमांड, कामना, इच्छा। तुम सब सज लो, दुल्हन सब सज लेगी स्वयं ही, या कोई भी उसको सजा देगा, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर सब नहीं भर सकते, अर्थात उसकी मांग को सब भर नहीं सकते, उसकी मांग को सब पूरा नहीं कर सकते। उसकी मांग को तो केवल एक पूरा कर सकता है, जिसको उसने दिल दिया है वही उसकी मांग को पूरा कर सकता है, वही उसकी मांग भर सकता है, नहीं तो उसकी मांग खाली रहेगी। लाख श्रृंगार कर ले, मांग खाली है, मांग अधूरी है। तो भगत की मांग को केवल भगवान ही भर सकते हैं। जब ये बात निश्चित है, हमारी मांग कुछ भी मिल जाए अधूरी रहेगी जब तक मांग में हमारी भगवान ना हो। तो हमारी मांग भगवान भरे, अर्थात हमारी मांग में भगवान आए, भगवान ही हमारी मांग है। वो जब तक हमारे यहाँ नहीं आएंगे, मन मस्तिष्क में नहीं आएंगे, हृदय में नहीं आएंगे, तब तक हमको कुछ भी मिल जाए अधूरा ही रहेगा। इसलिए सच्चे भक्त ने कहा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पद्माकर रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। कोई चाह ना रहे, अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दो। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, फिर संसार मिले ना मिले फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि जब मौत आएगी सब मिला वा अनमिला हो जाएगा। आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। भले संसार मिल भी जाए तब भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि आएगी मौत, सब छोड़ के चुपचाप अपने कर्मों को लेके दुनिया से चले जाओगे। तुम्हारे पास कितना धन है इसकी गिनती मत करो, तुम्हारे पास कितने शुभ कर्म हैं इसकी गणना करो, क्योंकि शुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो माधवदास जी भजन करते लोगों को भी प्रेरित करते, 12 साल हो गए भजन करते करते, धैर्य पूर्वक भक्ति में लगे रहे, मन लगे चाहे ना लगे बस सीताराम 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 जप चल रहा है। मैदान में बैठे रहते थे, गर्मी सर्दी बरसात कैसा भी क्यों ना मौसम आ जाए, इसलिए भक्तमाल में इनका नाम जो पूरा है वह है माधवदास मैदानी। लोग इनको मैदानी जी के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि मैदान में ही रहते, चौड़े मैदान में, छत भी सर पे नहीं थे, इसलिए इनका नाम ही मैदानी जी पड़ गया। कोड़म देसर बीकानेर से 7 कोस की दूरी पर इस संत की समाधि है, जिनकी मैं कथा सुना रहा हूं। मैदान में रहे जीवन भर माधवदास मैदानी जी, इनका नाम पड़ गया। 12 साल हो गए जब भजन करते करते, चित पवित्र हो गया। पवित्र हृदय की पहचान है कि संसार चित से निकल जाएगा, भगवान की चाहत आकर बस जाएगी।
अब ये भगवान को चाहने लगे, भगवान से प्यार हो गया, भगवान राम से अनुराग हो गया, एक एक पल भी उनके लिए जीना पहाड़ सा लगने लगा, दिन पहाड़ जैसा, रात भर नींद नहीं आती थी, राम के विरह में रोते थे। ये स्थिति कब आई? जब 12 साल भजन करते करते हो गए, जब चित पवित्र हो गया, भगवान की चाहत आकर के हृदय में बस गई। इसी चाहत का नाम है प्रेम, इसी चाहत का नाम है भक्ति। भक्ति हृदय में आके बस गई। सकल भुवन मध्य निर्ध नास्ति पि धन्यः निविशति हृदि भक्ति, निविशति हृदि, उसके हृदय में निवास करती है भक्ति। हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। भागवत में आया है वो निर्धन व्यक्ति भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्य निविशति हृदय तेषाम भक्ति हरिर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति निवास करती है, कोई और नहीं। हरिरपि निज लोकम, भगवान भी अपना लोक छोड़ करके निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय तेषाम, उसके हृदय में आकर बस जाते हैं। हृदय में बसना किसको कहते हैं जान लो समझ लो, हृदय में प्रकट होना अलग बात है, हृदय में बसना अलग बात है। हृदय में बसना कहते हैं प्यार हो जाने को। कहते ना कि तुम लोग कहते हो कि मेरे दिल में बसे हो, है ना, मेरे दिल में बसे हो। दिल में बसना कहते हैं चाहत को, प्यार को, और प्रकट होना कहते हैं साक्षात्कार। अब इसको भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान आके मन में बस गए चाहत के रूप में, चाहने लगा भगवान को, प्रेम में व्याकुल होने लगा। यहां तक स्थिति हो गई कि खाना पीना सोना तीनों ही बिसर गए, राम की रोने लगे। रोते रोते गुरु के उन वचनों को याद किया जब गुरु ने कहा था कि बेटा भजन की अग्नि जलाए रखना, इस अग्नि में तेरे सारे भस्म हो जाएंगे पाप, और जब पाप भस्म हो जाएंगे तब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। 12 सालों के मुझको भजन करते करते गुरुदेव क्या मेरे पापों का अभी तक सफाया नहीं हुआ है, अब तक मेरे राम जी क्यों नहीं आए, मेरी जवानी पापों में बीती थी, बुढ़ापे के 4 दिन बचे थे मेरे पास, अभी मेरे पाप कटने कितने मेरे पाप बकाया रह गए, कितने दिन और लगेंगे, एक एक पल राम के बिना इस समय कटता नहीं है। गुरुदेव कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो मेरी तरफ से कि मेरे पापों को क्षमा कर दो। फिर भगवान से प्रार्थना की राम जी से, हे मेरे प्रभु मेरे सीताराम, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे गुनाहों को माफ करो। कर दो क्षमा पाप मेरे सभी, मुझको पावन बना दो मेरे राम जी। बचपन में मैंने सुना था कि व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों का पापी है, कई कई जन्मों से लगातार भजन करे तब उसके पाप समाप्त होंगे। क्या इस जन्म में मुझको प्राप्ति नहीं होगी? हे मेरे प्रभु, अगर मेरे अनंत अनंत पाप बकाया रह भी गए आप क्षमा कर दो, अपनी कृपा दृष्टि से मेरे गुनाहों को माफ कर दो, अब आपके बिना मुझसे नहीं रह जाता। कर दो क्षमा पाप मेरे सभी, मुझको पावन बना दो मेरे राम जी। कर दो क्षमा पाप मेरे सभी, मुझको पावन बना दो मेरे राम जी। तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन, तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन, तेरा बिरहा सताए मुझे रात
सात दिन दे दो दर्श अब मेरे राम जी तेरा विरहा सताए मुझे रात दिन दे दो दर्श अब मेरे राम जी कर दो क्षमा पाप मेरे सभी मुझको पावन बना दो मेरे राम जी कर दो क्षमा पाप मेरे सभी मुझको पावन बना दो मेरे राम जी संताप में और बुढ़ापा गया वीर संताप में और बुढ़ापा गया वीर संताप में और बुढ़ापा गया वीर संताप में चार दिन से लगाई है रट नाम की चार दिन से लगाई है रट नाम की मुँह दिखाऊं क्या तुमको मेरे राम जी चार दिन से लगाई है रट नाम की मुँह दिखाऊं क्या तुमको मेरे राम जी तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन तेरा बिरहा सताए रात दिन तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन दे दो दर्श अब मेरे राम जी तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन दे दो दर्श अब मेरे राम जी जानता हूँ नहीं तेरे लायक बना 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 काम क्रोध काम और क्रोध मद लोभ से हूँ सना 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 है सहारा मुझे बस तेरे नाम का है सहारा मुझे बस तेरे नाम का इसलिए मैं पुकारूं मेरे राम जी है सहारा मुझे बस तेरे नाम का इसलिए मैं पुकारूं मेरे राम जी तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन दे दो दर्श अब मेरे राम जी